20 अगस्त ने दिलेर खरकिया का गाना आया था, उसके बाद सुमित ने पोस्ट घेरी थी जिस तरह न्यू समझ आया था कि दिलेर के गाने में सुमित के एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की कंपोजिशन है। तो इसके बाद 21 तारीख ने तड़के 8:30 बजे के आसपास दिलेर खरकिया और कैर खरकिया लाइव आए, जिसमें बताया गया कि उनने अपने गाने की कंपोजिशन 1999 में रिलीज हुए उड़े एक सलमान खान की फिल्म के गाने चुनरिया ते ली है, ना कि सुमित के गाने ते। पहला एक बात या अपनी तरफ तो बता दूं कि आर्टिस्टिक लाइफ में कति नया तो कुछ भी ना होया करे, हर एक चीज जो नई दिखा करे वह पुरानी 5-7-10 चीजा के मिक्सर ते लकड़काया करे, पर जब वह 5-7 की जगह एक या दो चीजा जिसी लकड़ के आवे तो वह कॉपी ला गया करे। तो दिलेर खरकिया की लाइव आके गाने के बारे में बात करण के बाद कुछ टाइम में सुमित ने भी अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में एक कमेंट करके वो पिन करया और वो कमेंट कुछ ईसा लिख रहा था। बड़ी अफसोस की बात है, कॉपी करने के बाद रिलीज करने का जिगरा तो हो गया, लेकिन ना ही कंपनी ने ना ही आर्टिस्ट ने गाना प्रमोट किया कि उनकी कंपनी ने नया गाना रिलीज किया है, ना ही आर्टिस्ट ने प्रमोट किया कि उसका नया गाना आया भी है। जब बताने से इतना ही डर लग रहा था तो रिलीज भी नहीं करना था। जो कंपनी और जो आर्टिस्ट 15-15 दिन प्रमोशन करते हैं, उन्होंने रिलीज करके एक पोस्ट तक नहीं डाली। चोर की दाढ़ी में तिनका। आर्टिस्ट एंड लेबल बोथ हैव मिस्टेकन, दिस विल गो लीगल। इस अंग्रेजी वाली लाइन का मतलब यो है कि कलाकार और लेबल दोनों ने गलती करी है, न्यू तो कानूनी तौर पर बात चली जाएगी। जब गाने के मामले में न्यू कानूनी तौर पर बात जावे है तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ तो जरूर हो रही है, क्योंकि कंपोजिशन कॉपी, म्यूजिक कॉपी, लिरिक्स कॉपी तो औरा के गाने में पहला भी हुई है। और एक बात और कि अगर थम कलाकार हो और ऐसा लग है कि कोई गाना थमने बढ़िया तैयार कर लिया तो उसने रिलीज कर दो, ना तो अगर उससे मिलता जुलता किसी और ने पहला रिलीज कर दिया तो थारा गाना फिर उसकी कॉपी लगेगा जो कि कोन्या। तो बस इस वीडियो में यो था, जुकर कोई नई खबर श्यामी आओगी तो उसकी बात भी कर लेंगे और जल्दी मिल लांगे किसी और वीडियो गेल। इतने राम राम।